अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। और सबसे जो आपके लिए अहम और खुशी वाली बात ये होगी कि जो बीएस केमिस्ट्री, यानी कि जिनका बीएस जो है वो मॉड्यूल है और वो केमिस्ट्री जो है वो उनका जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं सेकेंड सेमेस्टर से जो है वो उनके डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी जो है वो मैं अपलोड करता रहूँगा और आप लोग जो है वो उसको इंजॉय कीजिएगा और अपना उसको अंडरस्टैंड मैक्सिमम कॉन्सेप्ट गेन कीजिएगा ताकि आप आने वाली लाइफ में जो है वो ईजिली सर्वाइव कर सकें। सिर्फ CGPA ले लेने से काम नहीं बनता, अपने अंदर कॉन्सेप्ट्स की जो है वो क्वालिटी भी इंप्रूव करें ताकि आप जब मार्केट के अंदर आएँ तो आप इजीली जो है वो सर्वाइव करें, क्योंकि जो नंबर हैं वो आपको किसी भी सिस्टम में इंटर करवा देंगे, लेकिन जो आपकी क्वालिटी है वो वही आपको सिस्टम में सर्वाइव करवाएगी, अदरवाइज आप जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो आज का जो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कार्बो कैटाइन। इसमें बेटा अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, जिनमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो दो या तीन होती है। एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कि इस वैलेंसी के साथ वो कार्बन की जो भी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी दैट विल बी हाईली अनस्टेबल, दैट विल बी वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी एज एन इंटरमीडिएट, उसके बाद वो फौरन से स्टेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मुकाबले में ये अनस्टेबल होती है, तो फिर ये उसके बाद अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबल मॉलिक्यूल्स में प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कार्बन की इस तरह की जो है वो कैटेगरीज चार है। नंबर वन कैटेगरी इन विच वी से कार्बोकैटाइन, ओके। सेकंड वन वी से कार्बेनाइन, नंबर थ्री कार्बीन एंड द नंबर फोर कार्बन रेडिकल। दीज फोर टाइप ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन द ऑर्गेनिक portion in which carbon shows valency of 2 or 3, so all these form are unstable, though one is stable than the other, there is a difference between all their stabilities, but all these are unstable. इनमें से खुद कोई भी stable नहीं है, comparison wise एक दूसरे से कम या ज्यादा ये stable होते हैं। कार्बोकैटायन का अगर हम structure draw करें वो कुछ इस तरह से होता है, जनरल स्ट्रक्चर, इट्स पॉजिटिव चार्ज, इट गेट्स नेगेटिव चार्ज, इट गेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and in this case
देयर इज अ फ्री रेडिकल, वन इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है एक कार्बन के ऊपर. दीज ऑल फॉर्म्स आर अनस्टेबल, दे एग्जिस्ट, दे स्टडी इन द ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री. इस चारों इन चारों फॉर्म्स में अगर आप गौर करें, सिर्फ ये वाला हिस्सा है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, दो चार छह और ये दो वाले नेगेटिव में आठ, इसमें ही ऑक्टेट रूल पूरा है. इसमें इसमें और उसमें इन सब में ऑक्टेट रूल फॉलो जो है वो नहीं हो रहा, सिर्फ कार्बेनाइन में वो फॉलो हो रहा है. इसको जो हम इस तरह डिफरेंट कैटेगरी से जो है वो डिस्कस करते हैं. All these are unstable, but they are relatively more stable than the other form. But here we will explain introduction to the carbocation. The first portion is carbocation. उसको जो है वो हम explain करने जा रहे हैं. उस carbocation को explain करने से हम जो है वो इस बात पर जो है वो आ जाएंगे कि chemistry जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो है वो हमें किस तरह प्रोवाइड करती है. देखिए जी, जो अब हम फर्स्ट में आएंगे वो है कार्बोकेटायन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे. सिस्टम ऑफ गिविंग names, ऐसा सिस्टम जिसके जरिए हम डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिक पोर्शंस को हम नेम सजेस्ट करते हैं दैट बिलोंग टू नोमेनक्लेचर. अच्छा बेटा, इसमें सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब शुरू शुरू की बात है, स्टार्ट में इसका जो नेम था उसको हम कहते थे कार्बोनियम आयन. इन द स्टार्ट, शुरू में जब नेमिंग सजेस्ट की जा रही थी, स्टार्ट ऑफ द कैटेगरी, ये हम बात करते हैं तकरीबन 19th सेंचुरी की बात है, तब इसके ऊपर जो है वो वर्क चल रहा था. तो वो इसका नाम जो है वो सजेस्ट किया गया कि ये कार्बोनियम आयन है. और फिर उसके बाद जो है वो रिसर्च चलती रही कंटिन्यू रही. उस रिसर्च के जो है वो डिफरेंट जो है वो पहलू हमारे पास आते गए. उस रिसर्च में जो एक पॉइंट ये वाला भी था 1902 में कि ये जो टर्म है ओनियम, ये वाली टर्म जो है वो हायर वैलेंसी के लिए शो करते हैं. हायर वैलेंसी के लिए कैसे? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कार्बन बनाते हैं जी चार बॉन्ड. तो ये जो टर्म कब लगेगी उसके साथ? जब हम कहेंगे कि वो पांच बॉन्ड बना दे, तब ये टर्म जो है वो करेक्टली उसको डिजाइन की जा सकती है जो हम कहेंगे कि कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई है. चार थी, चार बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, उससे उसने अपनी इस्तेदाद को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी एबिलिटी को इंक्रीज किया, तब उसके जो भी नाम बनेगा उसके साथ ओनियम आएगा. फिर कुछ अर्सा पहले जो हमारे रिसर्च हुई उसके बाद साइंटिस्ट है ओला प्लस कोवर्कर्स जो उसके साथ काम करने वाले थे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक आइडिया इसको फर्दर मॉडिफाई करने का ओला जो साइंटिस्ट है उसी का था. उसने भी बकायदा जो है वो एक रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पर उसने एक ऐसा जो है वो कंपाउंड जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हासिल की जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था. कार्बन भी था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन उसने देखा कि उसकी जो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी वहां पर बनी हुई है वो कितनी है, वो फाइव बॉन्ड्स बनाए हैं उसने.
रिएक्शन वो रिसर्च कर रहा था, उसने बकायदा एविडेंस के तौर पर रिएक्शन भी हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये इंटरमीडिएट में उसने एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो जिस जो कि शॉर्ट लिव्ड था, जिसने देखा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन बने उसके कितने बॉन्ड थे, 5 बॉन्ड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये टर्म सिर्फ उसी वक्त लगाई जा सकती है किसी के नाम के साथ जब उसकी एक्सपेक्टेड जो एक्चुअल जो वैलेंसी उससे जब वो इंक्रीज करेगा ओनियम, तब उसके नाम के साथ जो है वो लगेगा। और उसने जो देखा वो ये वाला था CH5 पॉजिटिव कार्बन, हम कहते हैं 4 बॉन्ड बना था, लेकिन यहां पे कितने बने, 5 CH5 पॉजिटिव। अब ये कैसे जो है वो नाम इसको हम देंगे, इसका मीथेन है ना, मीथेन से ई काटा, अगर 4 होते CH4 होता तो फिर हमने क्या कहना था, मीथेन, लेकिन 5 बॉन्ड है मीथेन का, ई काट के ONIUM मिथेनोनियम, ठीक है, मिथेनोनियम जो है वो इसका नाम बनता है बाय द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द ओला साइंटिस्ट एंड देयर कोवर्कर्स, जो उसके साथी थे जो इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे थे। उसने कहा कि हम फिर इसको कार्बोनियम ऑयन, किसको, इसको कहना वो गलत होगा, ये कार्बोनियम आयन नहीं है, इसमें उसकी एक्सपेक्टेड वैलेंसी से एक कम है, इसलिए इसको हम कार्बोनियम नहीं कह सकते। तो वहां से उसने जो दो नाम जो है वो डिजाइन किए, वो कहता है या तो हम इसको कार्बेनियम आयन कह सकते हैं, या हम इसे कहेंगे कार्बोकेटाइन। कार्बो बेटा कार्बन से और कैटाइन पॉजिटिव चार्ज से, सो इन दिस केस वी विल प्रेफर टू एलोकेट द नेम ऑफ कार्बो कैटाइन टू दिस स्पेसिफिक जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन। ओके, सो फर्स्टली आज जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाना था और आपको मकसद था बताना कि जो है वो आपके इंशाल्लाह रेगुलरली जो है वो BS केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के जो है वो आपके लेक्चर्स कंटिन्यूली जो है वो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, और आप जो है वो अपने बाकी फेलोज को जो है वो उनको भी सजेस्ट करें, उनको शेयर करें, इसको जो है वो खुद भी अंडरस्टैंड करें, दूसरों को भी समझाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो डिवेल्प हो सके। चैनल जो है हमारा केमिस्ट्री कॉर्नर के नाम से, केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज रहमान के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे आपको फायदा